आगरा कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष अश्विनी जैन ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के मुद्दे प्रति असम में किस समय राहुल गांधी मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तभी असम के मुख्यमंत्री के आदेश पर राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने से रोक दिया गया। क्या यह राम भक्ति है? राम भक्त अगर बीजेपी के कार्यकर्ता है तो वह किसी को भी राम भक्त होने से रोक नहीं सकते। सनातन धर्म में सभी का सम्मान बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी आज धर्म पर राजनीति कर रही है, जिसका जिसका विरोध कांग्रेस कार्यकर्ता करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह कर अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है। राम मंदिर मुद्दा भूलकर भाजपा सत्ता पक्ष में है, लेकिन आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाने को तैयार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस केंद्र में यूपीए सरकार बनने जा रही है। जनता को इस भ्रष्ट सरकार मुक्ति दिलाएंगे। आने वाले समय कांग्रेस का है, क्योंकि 14 जनवरी से राहुल गांधी जी जनता को न्याय दिलाने के लिए देश भर में न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं। नाम बताएं साहब। मेरा नाम अश्विनी जैन। राहुल गांधी के साथ जो हादसा हुआ, किस तरह देंगे इसे पार्टी के मेंबर होने के माध्यम से क्या कहेंगे साहब? देखिए, भारत वर्ष के अंदर अंदर नगरी चौपट राज चल रहा है। राहुल गांधी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, आरएसएस के लोगों ने किया। राहुल गांधी जब मंदिर जा रहे थे तो उनको मंदिर जाने से रोक दिया गया। मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है? मंदिर सबके लिए होता है, हिंदू धर्म की आस्था का खेल है ये, एक धर्म जिसमें हम लोग जब धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, राम के नाम पर हम राजनीति करते हैं। क्या राम हमारे नहीं थे? क्या राम आरएसएस के लोगों के हैं, बीजेपी के लोगों के हैं, यही राम के भक्त हैं? क्या हम लोग राम के भक्त नहीं है? कांग्रेस लोग राम के भक्त नहीं है? क्या कांग्रेस ने राम भक्त के नाम पर जगह जगह भंडारा और राम भक्त के नाम पर आतिशबाजी नहीं की? राहुल गांधी को ये लोग कमजोर समझ रहे हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो तो न्याय यात्रा चल रही है, जो भारत वर्ष के लोगों को न्याय दिलाना चाहती है। उसके लिए राहुल गांधी जब आसाम के अंदर जब मंदिर में जा रहे थे, वहां पर आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मां के मुख्यमंत्री के इशारे पर ये काम किया गया। राहुल गांधी को मंदिर में नहीं जाने दिया गया। अगर हम बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में भी उनको निमंत्रण था या नहीं? नहीं, अयोध्या में जाने का निमंत्रण माननीय सोनिया गांधी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे साहब जी को निमंत्रण मिला था, लेकिन पद प्रतिष्ठा समारोह के अंदर जब मंदिर कंप्लीट नहीं है तो वहां पर जाने का कोई उचित नहीं है। उससे पहले हमारे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राज जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, प्रमोद तिवारी जी, मोना जी, तमाम लोग दो दिन पहले वहां दर्शन करने के लिए गए थे। वहां पर आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो झंडा लहरा रहा था उसका झंडा छीन कर पैरों में रौंद दिया गया था। ये बहुत निंदनीय कार्य इन लोगों ने किया है। ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम को बांटने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस कितनी सीटें लाएगी और क्या सरकार? आने वाले समय में 2024 का चुनाव जो होगा वो हिंदुस्तान के इतिहास में एक लंबी लकीर होगा, और हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस एक नई पारी की शुरुआत करेगी और कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक।